सबसे पहले तो JJN के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। पहला सैड सॉन्ग मैंने ढिंचिंग ढिंचिंग बीट थी उसकी, तो मैंने वो डांस वाला नंबर बना दिया। हाँ, ऐसी पागल सी हूँ। शादी कब करनी है? शादी मेरे जितने भी दर्शक है सब पहुंच जाओ JJN में, क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत खतरनाक वाला इंटरव्यू आ रहा है। स्वागत है आपका JJN की एक खास मुलाकात। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी एक्ट्रेस से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी गानों से पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है। इतने हिट सॉन्ग उन्होंने दिए हैं कि आज पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके गानों पर जरूर डांस करता है। जी हाँ, आपने वो गाना तो उत्तराखंड का पहाड़ी सॉन्ग सुना ही तो होगा, आपने क्रीम पौडेरा घसले की नैन है, और वो तो आपने सुना ही होगा ढाई हाथे धमेली, जो आजकल ट्रेंड कर रहा है रील्स में कहें या फिर किसी भी चीज में कहें, वो आजकल ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे द वन एंड ओनली श्वेता महाराज जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज में आपका। सबसे पहले तो JJN के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। पहला कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छी भी लग रही हैं आज आप। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, आज यहाँ पे आने का क्या मोटिव था आपका? सो आज बेसिकली ढाई हाथे धमेली कि आपने देखा होगा अभी बहुत मिलियन पार चले गए, हमारे 11 अभी 12 मिलियन होने वाला है। तो हमने एक छोटा सा कंपटीशन रखा था बच्चों के लिए। सो उसमें क्या था कि डांस आपको रील बना के आपको अपलोड करनी है। सो उसमें कुछ कैटेगरीज थी जैसे बेस्ट कोरियोग्राफर का, बेस्ट ग्रुप का, बेस्ट डुएट का। तो वो आज सारे विनर्स हमारे आए हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सारे हल्द्वानी के हैं। अच्छा, मतलब जो सारे जो विनर्स हैं कोरियोग्राफर में उसमें सब हल्द्वानी के? सब हल्द्वानी के, हल्द्वानी के लोग जो हैं झंडे गाड़ रहे हैं भाई। हाँ, तो मैम जब आपने ढाई हाथे धमेली करा था किस तरह की परफॉर्मेंस रही थी, को एक्टर कैसे थे, कोरियोग्राफर कैसे थे, कितना मजा आया था? सो जो मेरा पहला हिट गाना मैं बोलूंगी क्रीम पौडेरा, तो क्रीम पौडेरा की स्टार कास्ट थी, उसी के डायरेक्टर थे, सारी पूरी टीम वही थी हमारी ढाई हाथे धमेली में भी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और गाना इतना प्यारा है हमारे सिंगर्स दोनों, और पहली बार मनोज आर्य जी ने उसमें आवाज दी थी और प्रियंका मेहर ने, जो कि सभी दर्शकों को बहुत पसंद आई दोनों की आवाज़। और म्यूज़िक डायरेक्टर जो है उनका भी काम वाकई में बहुत अच्छा था। लिरिक्स राइटर सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जो पहली सीडी होती है वो लिरिक्स होती है, तो लिरिक्स इतने जानदार थे कि फिर काम करने में हमें वाकई में बहुत मज़ा आया। और मशकबीन से हमारा ये चैनल, मशकबीन चैनल से हमारा ये गाना आया था, सुरेश जोशी जी उनके प्रोड्यूसर है जिनका योगदान सिर्फ एक पैसा लगाना ही नहीं है, उसके ऊपर वर्क करना कि कॉस्ट्यूम क्या होनी चाहिए, एक्टर्स कैसे होने चाहिए, सिंगर कौन होने चाहिए, लिरिक्स कैसे होने चाहिए, तो सारी चीजें रहती हैं। और मुझे नहीं लगता कि और प्रोड्यूसर इतना ध्यान देते हैं। सो पूरी एक टीम का एक बहुत बहुत योगदान है इस गाने के लिए। तो इस तरीके से था हमारा कोई गाने को या फिर किसी भी चीज में अगर बोले तो पूरी टीम की जरूरत होती है, एक टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं जैसे मानू चाह को होटल हो गया, क्रीम पाउडर हो गया, ढाई हाथे धमेली आ गया, एक एक करके हिट पे हिट सॉन्ग आप दिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि जनता प्यार कर रही है, शायद इसीलिए हिट पे हिट जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता प्यार कर रही है और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो अब श्वेता महाराज के हमने स्टार्टिंग जो गाने थे और जो हिट गाने थे वो तो सुन लिए, लेकिन इसके पीछे की कितनी स्ट्रगल थी मैम, वो अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि कैसे सोचा कि भाई श्वेता महाराज तो एक्ट्रेस बनेगी। दर्शकों ने बना दिया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं एल्बम से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत एल्बम्स करे हैं अभी तक, ऑलमोस्ट मैंने मुझे लगता है 100-150 एल्बम कर चुकी हूँ मैं, म्यूजिक एल्बम्स, मूवीज़ में 5 मूवीज़ कर चुकी हूँ, और अभी मैं 5 लैंग्वेज में काम कर रही हूँ, उत्तराखंड का, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, अभी हाल ही में मेरा पंजाबी सॉन्ग भी आया है। अच्छा। सो अलग अलग लैंग्वेजेस में काम कर रही हूँ और लोगों को पसंद आता है, शायद इसीलिए काम करने का और मन करता है, अपने आप को इम्प्रूव करने का मन करता है। तो इसी तरीके से बस ये कारवा चलता रहा, और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा डांस लवर रही हूँ, बहुत सारे शोज करे हैं, और लोगों का प्यार मुझे बचपन से ही मिलता रहा, फैमिली का भी। तो बस अच्छा, तो मैम आपने भोजपुरी में भी काम करा है, तो भोजपुरी में मज़ा आता है काम करने में या पहाड़ी सॉन्ग में मज़ा आता है? मैं आपको बताऊँ, सबका ना अपना अपना फ्लेवर है। अगर अब मैं भोजपुरी की बात करूँ, वहाँ का जो एक्चुअल फोक है वो तो लोगों को पता ही नहीं है, वहाँ का भोजपुरी के नाम से ना सबके दिमाग में एक चीज चलती है, आइटम सॉन्ग है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मैं जब एंटर मैंने किया था तो मैंने तो ये सोचा था कि मैं शायद पोस्ट भी नहीं करूंगी उस गाने को। अच्छा। लेकिन सारे गामा से बहुत अच्छा ब्रेक मिला, मैंने सारे बॉलीवुड के रीमेक करे हैं उसमें, तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, मूवीज बहुत अच्छी होती हैं, मैंने देखा उत्तराखंड में बहुत सारे भोजपुरी लवर हैं, इवन मेरे गांव में भी मुझे बताया है उन्होंने कि हम भोजपुरी मूवीज देखते हैं, बहुत पारिवारिक मूवीज
चीज होती है। तो देखिए हर तरीके की ना चीजें हर जगह मिलती हैं। हाँ बदनाम ज्यादा हो चुका है क्योंकि शायद तादाद बहुत बड़ी है उन लोगों की और कुछ आइटम सॉन्ग्स बहुत ज्यादा वायरल है उनके। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है वो छठ के गाने हैं। तो छठी मैया का तो वैसे भी मुझे लगता है कि सभी के ऊपर अच्छा आशीर्वाद होना ही चाहिए, तो छठ के गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं। और उनका जो प्योर फोक है, आपने नदिए के पार मूवी देखी होगी, आज तक लोगों को पता ही नहीं है कि वो भोजपुरी मूवी है। सबको लगता है वो बॉलीवुड मूवी है, बट वो बॉलीवुड मूवी नहीं है, वो भोजपुरी मूवी है। तो कौन दिशा में लेके एग्जैक्टली वो मूवी भोजपुरी है। और लंदन अभी मैं हाल ही में हमारे जो दर्शक है या फिर जो भी आम पब्लिक होती है ना, भोजपुरी को लेकर मेंटेलिटी उनकी बहुत अलग ही है। जब आपने पेरेंट्स को बताया होगा कि भाई मुझे भोजपुरी से ऑफर आया है, तो क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला क्योंकि सारेगामा बहुत बड़ी कंपनी है और उसी टाइम सारेगामा ने किया था। तो एक और गाना आया है भोजपुरी का सारेगामा से, जिसने बादशाह ने भोजपुरी में रैप किया है। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, या मतलब मैंने तो जो गाने किए वो कोई भी देख सकता है। लेकिन ऐसे मैंने कोई गाने नहीं किए कि नहीं देख सकते। मेरी फैमिली बैठ के देखती है। बहुत सारे सावन के गाने किए हैं, छठ के गाने किए हैं, लोकगीत बहुत सारे किए हैं और फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा किया है। और मैंने मेरा एक सोलो गाना है रेलिया रे, जो अभी 200 मिलियन पार है। अच्छा, मेरा सोलो गाना है, थैंक यू सो मच। तो और वो भी एक लोकगीत है और लोगों को बहुत पसंद आया। तो मेरे गाने तो सब देख सकते हैं, ऐसा कोई ब्रेक नहीं लगा, ना किसी ने मना किया फैमिली से। अच्छा, तो मैं अगर कहना चाहूँ भोजपुरी और पहाड़ी में दोनों में आपके फेवरेट सॉन्ग कौन से हैं, जिन जिन में भी आपने काम करा है? भोजपुरी में अगर मैं अपने गाने ना, तो भोजपुरी में बहुत सारे गाने मेरे बहुत फेवरेट है। रेलिया रे एक वन ऑफ, क्योंकि सैड सॉन्ग है, उसके पीछे भी एक गाने वो था सैड सॉन्ग, मैंने ढिंचिक ढिंचिक बीट थी उसकी, तो मैंने वो डांस वाला नंबर बना दिया। तो आफ्टर वन मंथ देख रहे हैं उसमें ना एकदम से 50 मिलियन व्यूज आ गए। 50 मिलियन बहुत होता है, 50 मिलियन बहुत होता है वन मंथ में आना। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ। तो जब जो डायरेक्टर है ना, एक्चुअली डायरेक्टर भी हमारे पंजाब के डायरेक्टर थे। अच्छा। ना उनको गाना समझ में आया, ना मेरे को गाना समझ में आया, और हमने वो डांसिंग नंबर कर दिया। तो जब वो हिट हो गया, फिर उसके बाद हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला कि ये तो सैड सॉन्ग था। अच्छा। हाँ, वो सैड को एंटरटेन कर दिया, तो थोड़ा एंटरटेनिंग करा। आज वो ऑलमोस्ट 200 मिलियन पार है, मतलब 200 प्लस हो चुका है वो। तो वो मेरा गाना एक फेवरेट, एक सिलवटिया गाना है वो मेरा फेवरेट है। पवन सिंह जिनका लॉलीपॉप गाना है, उनके और मेरे बहुत सारे गाने हैं, तो उसमें से भी एक गाना मेरा बहुत फेवरेट है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। मतलब पहाड़ी में अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ी में जितने हिट चल रहे हैं सारे फेवरेट है। अच्छा, मतलब तीन अगर मैं आपको चॉइस दूँ, चाहा को होटल और ढाई आते धमेली और क्रीम पाउडर, सबसे अच्छा मजा किस में आया काम करते हुए? काम करते हुए मजा अगर मैं बात करूं तो वो आया था चाहको होटल में, आया था ढाई तमेली में भी आया था। ऐसा नहीं कि नहीं आया था, दो दिन का शूट था तो ढाई तमेली में ज्यादा आया था। अगर मैं फेवरेट की बात करूं, क्योंकि मेरा नाम क्रीम पाउडर से हुआ है, हाँ। तो मेरे लिए सबसे ऊपर है। अच्छा, तो आपने इतने सारे कोएक्टर के साथ काम करा है, तो फेवरेट कोई कोएक्टर है आपके साथ जिनके साथ आगे भी आप काम करना चाहते हैं? आप मुझे बताओ किस में, क्योंकि मैंने 5 जगह काम किया है, 5 अलग अलग लैंग्वेज में। अभी आपके दो गाने आए, एक ढाई तमेली और एक चाहको होटल। हाँ, एक में पन्नू गोसाई जी हैं और एक में अजय सोलंकी जी हैं। अभी अजय सोलंकी जी के साथ मेरा और भी गाने लाइनअप हैं जो उनके साथ करने हैं। दोनों ही ठीक थे, लेकिन ना पन्नू जी के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी थी, तो मस्ती मजाक पन्नू जी के साथ ज्यादा होती है। अजय जी के साथ मैंने अभी तक एक ही गाना किया। तो पहले सेट में तो मेरे जितने भी को एक्टर होते बड़े शांत रहते हैं, वो दूसरे सॉन्ग में आके ना थोड़ा सा खुलते हैं ऐसे, क्योंकि जब मैंने क्रीम पाउडर करा था तो पन्नू जी भी ऐसे शांत बैठे हुए थे। तो ढाया था धमेली में, फिर हम लोगों ने धमाके ज्यादा मचा। अच्छा, तो आप पहले बचपन से ही अच्छी थी, चुलबुली सी और ऐसी पागल सी हूँ। थैंक यू सो मच। मैं दिल्ली में, मेरा जन्म हुआ है और मैं 5 साल उत्तराखंड में भी रही हूँ, तो बड़े ही मैं खुराफाती रही हूँ बचपन से, और डांस में बहुत रुचि रही है, पढ़ाई में भी रही है। 70-60 के अप्रॉक्स मार्क्स आ जाते हैं। ओके वाला। हाँ, बस ऐसी हूँ। तो जब आपने कहा कि भाई मुझे एक्ट्रेस बनना है, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब सबसे पहले बताया? पापा क्या कहते थे, क्या बनना है? पापा को तो पता था यही करेगी, यही करेगी। हाँ, मेरे पापा को पता था, क्योंकि मेरे पापा अपनी जवानी में राइटर थे, बॉम्बे में वो ऑलरेडी रह चुके हैं, तो उनके लिए कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। मतलब मेरी फैमिली के लिए ऐसा कोई सरप्राइजिंग नहीं था। हाँ, मेरे पापा साइड में इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं मानते, लाइक अच्छा इन द सेंस कि उनके बच्चे कोई बैंक में, कोई आर्मी में है, कोई होटल में है, और
और मैं अपने पापा वाली फैमिली से इकलौती ऐसी हूँ जो इन सब चीज़ों में निकल गई. एंड मामा साइड में मेरे मामा बहुत एक्टिव है और मम्मी भी मेरी काफ़ी हद तक एक्टिव है. वो कहते हैं ना उनको मौका नहीं मिला, शायद वो लोग कर नहीं पाए, बट मुझे मौका मिला, मैंने फटाफट से ग्रैब कर लिया. अच्छा, स्ट्रगल कितना है यहाँ तक पहुँचने में? स्ट्रगल तो देखो हर किसी का एक अपने लेवल पे अपना अपना स्ट्रगल होता है और मेरी जर्नी बहुत यूनिक रही है. मैं चाहूंगी मैं बहुत अच्छा अच्छा काम करूँ, बड़े बड़े काम करूँ ताकि मेरे ऊपर भी बायोपिक बने तो लोगों को पता चलेगा क्या स्ट्रगल था मेरा. तीन आने आपने लगातार हिट दिए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके हिट आए. मधु भी था एक. हाँ, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में ढाई हाथे धमेली चल रहा है जिसको लेकर आज यहाँ पे इवेंट भी अभी सबसे पहले तो ढाई हाथे धमेली चल रहा है. मधु भी ऑलमोस्ट अच्छा है. जब भी आया था ना तब इंस्टाग्राम पे सिर्फ यही चल रहा था, रील्स बहुत बनी थी. एग्जैक्टली, मैं अगर इस गाने को बोलूं मोस्ट इरिटेटिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर है जिसने सबको इरिटेट कर दिया, बट प्यार भी उतना ही. नेपाल से बहुत प्यार मिला है, नेपाल की ऑडियंस इतनी कनेक्ट हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा नेपाल से. अच्छा, तो अब क्या बॉलीवुड में जाने का सोच रहे हैं आप? नहीं, सोचता कोई नहीं है. कई लोग सोचते हैं बेचारे वो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो मुझे तो लगता है कि सब अपॉर्चुनिटी है. अपॉर्चुनिटी आएगी, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो डेफिनेटली करूंगी मैं. तो अभी आप पंजाब में, आपने कहा पंजाबी में एल्बम कर रही हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए. पंजाबी जो मैंने एल्बम करी थी कि दसिए सुरजीत भुल्लर जी के साथ, बहुत अच्छा गाए और काफ़ी अच्छी चली वो वीडियो, और बाकी आगे भी बहुत सारी चीज़ें प्लान है. अच्छा, अभी लेटेस्ट कौन सा गाना आने वाला है उसके बारे में कुछ बता दीजिए. लेटेस्ट मैंने काफ़ी गाने ऑलरेडी शूट कर रहे हैं जो भी, बाकी अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ मैं ज़्यादातर और भी कंपनी अप्रोच करेंगे अगर मुझे लगे कभी गाना अच्छा तो मैं करूँगी, बट अभी मैं सिर्फ मशक भी नहीं लेकिन कैसा रहता है मतलब उत्सुकता हो गई है आपकी कब आएगा गाना. हाँ, दो में ऑप्शन है, या तो डांसिंग नंबर होगा या तो वो हस्बैंड वाइफ वाला जो लोग पसंद करते हैं तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अभी लाइनअप चल रहा है, या तो प्रियंका मेहर का गाना है और एक और गाना है, लेट्स सी किस तरीके से होता है. बाकी पूरे पैक है हमारा, पूरा वन ईयर, पूरे वन ईयर में आपको बैक टू बैक चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी और आई होप सबको पसंद आए. अच्छा, एक के बाद एक आपके एक गाने आ रहे हैं. बिजी हो गया है पूरा शेड्यूल जो आपका, किस तरह से मैनेज कर रही हैं और एक अच्छे से स्माइल भी अपने चेहरे पर रखी हुई है? मैं लिमिटेड काम करती हूँ. मैं उत्तराखंड में तो मैं बोलूँ मैं दो महीने में एक गाना ही करती हूँ. अभी हाल ही में मेरा गाना रिलीज हुआ है मंगटू ठेकेदार, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा हाई बजटिंग का गाना था. ऑलमोस्ट 7 to 8 lakh रुपीज़ उसमें लग चुके हैं और वो बहुत चैलेंजिंग गाना था हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते बंदूक को और इन सब चीज़ों को, तो काफ़ी सारे हेट कमेंट्स भी आए कि ऐसा वैसा, बट मुझे लगता है कि हेट कमेंट्स नहीं आने चाहिए. द रीज़न बिहाइंड, जब लड़का गन पकड़ता है तो सब अप्रिशिएट करते हैं, जब लड़की ने गन पकड़ा तो लड़की ने क्यों बंदूक पकड़ी उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि वो अपने डिफेंस के लिए उसने गन पकड़ी थी या बंदूक पकड़ी थी. तो अभी लोगों की मेंटालिटी उस लेवल पर नहीं गई है. धीरे 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 हम लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले साल में हम लोग मूवीज़ करने वाले उत्तराखंड की. अभी उत्तराखंड की मूवीज़ बन रही है, बट मुझे ना वो लेवल नज़र नहीं आता अभी उत्तराखंड की मूवीज़ में. जैसे बाकी जगह मूवीज़ चलती हैं बहुत अर्निंग होती है, यहाँ पे फ्री में टिकट्स भेज देते हैं, है ना. बिल्कुल, तो वो हमें पता ही नहीं चलता. मुझे अभी तक नहीं पता कि कौन सी मूवी लास्ट आई थी. एक में केदार के सेट पे, केदार के एक प्रीमियर पे मैं गई थी. हाँ. मुझे वो उसका पता चला क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, अदरवाइज मुझे वो भी नहीं पता चलता कि वो मूवी कब आई. तो हम तक क्यों नहीं पहुँच पाती हैं वो चीज़ें. गाने घर घर तक जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में आज फेमस है गाने सारे, लेकिन मूवीज़ क्यों नहीं जाती है. तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट मूवीज़ ही है, उत्तराखंड की मूवीज़ ऐसी बने जो सब लोग देखें, आगे बढ़ाएँ उत्तराखंड. Exactly. तो आपके बारे में जान लिया, लेकिन अब जो रियल श्वेता महारा है उनको क्या पसंद है रियल लाइफ में, कहाँ घूमना फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है आपका जहाँ पे आप घूमने ऐसा कुछ मतलब मेरा दिमाग में नहीं, बट हाँ मुझे पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, मतलब ये मेरे दिमाग में. सोलो ट्रिप पसंद है या फिर फ्रेंड्स फैमिली? सब पसंद है. कोई भी, जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मुझे सोलो पसंद है, जब मैं बहुत आलसी होती हूँ तो मुझे मेरा फ्रेंड्स वाला पसंद, नहीं सॉरी मम्मी वाला ग्रुप जो होता है ना फैमिली
नहीं वाला वो पसंद है, जो मैं बहुत खुराफाती रहती हूँ, और मैं जब मैं खुद से अप्रोच करती हूँ चलो 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 यहाँ घूमने जाता, मुझे फ्रेंड्स पसंद है, तो मैं मुझे समझना थोड़ा सा मुश्किल है सबके लिए क्योंकि मेरा हर टाइप का नेचर रहता है। अच्छा अभी तो चिल रहती है, गुस्सा नहीं आता आपको कभी? गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मेरे स्टूडेंट्स को पूछिए, मैं पिछले 8 साल से स्टूडियो रन कर रही हूँ, डांस स्टूडियो, मेरा जिम भी है और एक टीचर वाला और भी है, और प्यार भी उतना ही करती हूँ सबको और गुस्सा भी उतना ही करती हूँ, बहुत मार खाई है बच्चों ने मेरे हाथ से। अच्छा मतलब गुस्सा भी आता है आपको? मतलब बहुत ज्यादा क्यूट सी स्माइल रखती है, इसके पीछे गुस्सा भी आता है बहुत ज्यादा। अच्छा तो आपको और क्या पसंद है? मुझे मैं सच्ची बताऊं तो मुझे ना लोगों की हेल्प करनी बहुत पसंद है। अभी हाल ही में मैं अपने गांव जीबल गई थी, मैं जीबल से बिलोंग करती हूँ और गंगोली हाट से मेरे मामा जी जो है वो रावल गांव से, तो पढ़ाई मैंने गंगोली हाट से करी और मेरा जो पापा वाला घर है वो जीबल है। तो अभी जब मैं वहाँ गई थी तो लोगों की बहुत परेशानियाँ थी कि रोड नहीं बन रही है वहाँ पे, तो रोड की बहुत बड़ी समस्या थी। और जीबल की एक ऐसी रोड है जो 1960 में कटी थी, 1960 में, और आज क्या चल रहा है 23 चल रहा है, सोचिए कितने साल हो गए लेकिन वो रोड पक्की नहीं हो पाई। तो मैंने एक दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया। अच्छा सबसे अच्छी बात थी कि पूरी महिला शक्ति जो थी सब आई हुई थी वहाँ पे। गांव में कितने लोग बचे हैं? मुश्किल से 200। यू कांट बिलीव वहाँ पे 160 लोग थे प्रेजेंट, आपके बुलाने पे, मेरे बुलाने पे जो आए थे, और 160 से मुझे लगता है कि 5% आदमी थे, 95% गर्ल्स बच्चे थे, मतलब जो ज्यादा संख्या थी वो लेडीज की थी। जी हाँ, क्योंकि उनके हस्बैंड सब बाहर चले गए हैं, कोई कमा रहा है क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। तो सबको गैदर किया और एक हीरोइन बनने की खुशी में गांव वालों का था कि भाई मिठाई विठाई मुंह तो मीठा करो, तो पूरे गांव वालों को एक छोटा सा गेट टुगेदर, एक स्नैक्स हम लोगों ने रखा था। तो वहाँ पे काफी सारे, मैंने एक टीम भी बनाई है गंगोली हाट में इन्फ्लुएंसर्स की, व्लॉगर्स की। अच्छा। तो वो सब आए थे और उन्होंने बात करी लोगों की परेशानियाँ, स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है, रोड की समस्या है, तो वो सब देखा और बहुत बुरा भी लगा। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि हाँ इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। देन उसके बाद मैं विधायक जी के पास गई, तो उनके पास गई मैं और फकीर राम टमटा जी वहाँ के विधायक हैं, तो उनसे भी कुछ चीज़ें पता चली कि ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, रोड बनी नहीं है। देन उसके बाद अभी हाल ही में एक और जो मजिस्ट्रेट हैं वो मुझसे मिलने आए थे मेरे गांव में ही, तो उन्होंने भी बोला कि हम स्कूल का जो मुद्दा है उसको सही करेंगे, स्कूल आपका रिपेयर करवाएंगे और बाकी रोड के लिए भी अप्रोच करेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, अगर मुझे जल्दी नहीं पता चलता है कि रोड कब ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेटर तो गांव वाले कह रहे हैं पिछले 10-20 साल से आ ही रहे हैं। अच्छा। कि रोड बनेगी बनेगी, लेकिन कब बनेगी अभी तक पता नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है। एग्जैक्टली कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी जो सरकार चल रही है उत्तराखंड में वो है बीजेपी, तो मैं सीएम साहब को यही बोलूंगी कि आप जल्द से जल्दी सारे रोड बनाएं, क्योंकि मेरा ही गांव नहीं, हालांकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो डेफिनेटली मैं तो इसके ऊपर स्टैंड हूँ, लेकिन मुझे पूरी जनता, जितनी भी उत्तराखंड की जनता है, आप सभी का साथ चाहिए, मेरे जीबल के गांव वालों का साथ चाहिए, ताकि हम इसको, इस मुद्दे को आगे लेके जा सकें। बहुत अच्छी बात है कि आपने स्टैंड लिया, अपने गाँव वालों के लिए स्टैंड लिया। अगर ऐसी स्टैंड हर एक व्यक्ति लेगा तो उत्तराखंड का विकास जरूर होगा। जिस तरह से मैंने बताया कि अभी उत्तराखंड को इतना कोई नहीं जानना है, चाहे फिल्मों में हो चाहे किसी चीज में हो, अगर आप स्टैंड लेंगे तो उत्तराखंड को जरूर जाने का, पूरे देश में उत्तराखंड की धाक भी होगी। चलिए मैम एक पर्सनल अगर सवाल पूछो, शादी कब कर रही है? शादी का कोई प्लान है? कर लेंगे, आपकी न्यूज़ से पता चल जाएगा सबको कब कर रहे हैं। आप हमारी न्यूज़ से बनाई, फिर भी 23, 24, 25। नहीं अभी ऐसा कोई मैंने सोचा नहीं कि शादी कब करनी है, बट रोड बन जाए, जीवन वाली रोड बन जाए, कर लेंगे, सब कर लेंगे, बराती आएंगे भाई उस रोड। पहले मेरी शादी चाहते तो रोड बनवाओ पहले, अगर मैम की शादी चाहिए तो रोड बनाओ, क्योंकि बराती वहीं से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक लास्ट सवाल लेंगे, एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए जो आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। मैं देखती हूँ कि जिस तरीके से मेरे गानों को पसंद किया जाता है उत्तराखंड में, मेरे इंटरव्यूज को भी उतना ही पसंद किया जाता है। मतलब एकदम मैं अभी गांव में गई थी तो सबने बताया कि आपका वो इंटरव्यू देखा। शायद मेरे इंटरव्यू देने से या मैं जो चीज़ें बोलती हूँ वो लोगों तक कनेक्ट होती है, लोगों तक पहुँचती है। तो अभी JJN के जितने भी दर्शक हैं, और भी मैं कह रही हूँ मेरे जितने भी दर्शक हैं, सब पहुँच जाओ JJN में, क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत खतरनाक वाला इंटरव्यू आ रहा है। तो मैं बस ये कहूंगी आप लोग अपनी चीजों पे स्टैंड ले, क्योंकि मैं नारी शक्ति के लिए बहुत 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 फेवर में हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडियो में भी बहुत ज्यादा मैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके काफी सीरियस रही हूँ पिछले 8 साल से। तो बस यही कहूंगी, उत्तराखंड को आगे बढ़ाओ, नेगेटिविटी दूर करो, पॉजिटिविटी लेकर आओ, और म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा बनाओ और फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ा बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी आज हमारे साथ श्वेता महाराज जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी से
से जुड़े कुछ बातें हमें बताई। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से असल श्वेता महारा को जरूर जाना होगा। तो ऐसी ही खास मुलाकात के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं समय और मैं हूँ निशा उप्रेती।